गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, किस तरह हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग का जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना चाहिए, लॉग हम किस लिए यूज करते हैं। तो पहले लॉग का क्या काम है उस चीज़ को समझते हैं, फिर हम आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 के क्यूब की बात करें तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। इसी प्रकार अगर हम 5 to the power 4 की बात करें तो ये हमारे पास 625 आता है। ठीक है, अगर इस चीज को हम लॉग में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे। लॉग का बेसिकली वर्क क्या होता है, पावर को बताना। लॉग का बेसिकली वर्क क्या है, पावर को बताएगा किस नंबर पर कितना पावर होगा जो वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता था, 2 to the power 4 होता था, वैल्यू क्या आता था, 4। 3 का क्यूब क्या होता था, पावर कितना है, 3। तो 3 to the power अगर 3 है तो वैल्यू क्या आ रहा है, 27। 5 to the power 4 है तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 626। तो यहाँ वैल्यू पता चलता था। इस चीज को अगर हम लॉग के टर्म में लिखें तो इस चीज को लिखा जाएगा लॉग टू द बेस। यहाँ पर क्या आता है, बेस। बेस हमारा क्या है, इसको बेस कहते, इसको पावर कहते, इसको वैल्यू कहते। तो बेस कितना है, 2। log to the base 2, वैल्यू कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब क्या है, 2 to the power हम कितना डालें, 2 to the power हम कितना डालें जो वैल्यू क्या आ जाए, 4। तो 2 to the power अगर हम 2 डालते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 4। तो log हमको किसको डिफाइन कर रहा है, पावर को। बेसिकली किसको डिफाइन करता है, पावर को डिफाइन करता है। इसी चीज को अगर हम फिर से log के टर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखा जाएगा log 27। वैल्यू कितना आ रहा है, 27। किसका वैल्यू, किस पर, बेस क्या होगा, 3। 3 to the power कितना दे, 3 to the power कितना दे जो वैल्यू क्या आ जाए, 27। तो वो कितना क्या है, पावर है ना, कितना क्या है, पावर है। तो पावर कितना है, 3। तो वैल्यू क्या आ रहा है, 3। लॉग बेसिकली क्या बता रहा है, वैल्यू को बता रहा है। इस चीज को वापस से लॉग के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा लॉग 625 टू द बेस 5। वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 4। डेट मीन्स पावर बता रहा है क्या आ रहा है। तो ये तो हो गई लॉग के बारे में। कुछ लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ होता है, अगर आपके पास log टू द बेस a m इंटू n है, दो फंक्शन किस में है, इंटू में। दो फंक्शन किस में है, इंटू। यहां पर m और n क्या है, फंक्शन है। तो दो फंक्शन इंटू में, तो log इस फंक्शन को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस में log n टू द बेस a। लॉग क्या किया, दो फंक्शन इंटू में था, लॉग क्या किया, दो फंक्शन को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया प्लस के टर्म में। सेकेंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा लॉग टू द बेस a m by n, दो फंक्शन डिवाइड में है। तो लॉग इसको क्या करेगा, इसको कर देगा दो पार्ट में, लॉग m टू द बेस a माइनस में लॉग n टू द बेस a के टर्म में। चलो ठीक है, थर्ड वन फंक्शन देखेंगे, log m टू द पावर k है टू द बेस a, फंक्शन पे पावर k है। तो log क्या करेगा, इस पावर को आगे शिफ्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा log k log m टू द बेस a। फोर्थ वन प्रॉपर्टी देखेंगे, फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास log m टू द बेस a है तो इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहते हैं। तो हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, log m अपॉन में log a टू द बेस, हम यहां चाहे तो b लिख सकते हैं। ठीक है, log m था टू द बेस a था, तो इसका बेस हमको चेंज करना था, तो बेस हम b ले चुके हैं, log m अपॉन log a लिख सकते थे। फिफ्थ वन आपको याद करना है, log a टू द बेस a, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखो log 10 टू द बेस 10, हम 10 पे बेस कितना है 10, 10 पे कितना पावर दें, 10 पे कितना पावर दें जो वैल्यू क्या आ जाए वापस से 10। तो 10 पे पावर 1 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 10 ही आएगा ना। इसी प्रकार अगर आपको लिखा रहेगा log 3
टू द बेस थ्री, थ्री पे पावर हम कितना थे, बेस क्या है थ्री, थ्री पे पावर कितना थे, जो वैल्यू क्या आ जाए थ्री टू वन, तो उसी टर्म को अगर हम जनरल टर्म में लिखें लॉग ए टू द बेस ए, वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, सिक्स वन याद करेंगे, लॉग जीरो टू द बेस ए, टू द बेस ए सॉरी लॉग वन टू द बेस ए, हम ए पर कितना पावर दे, ए पर कितना पावर दे, जो वैल्यू क्या आ जाए वन, ठीक है। यहाँ पर देखो जीरो को रिप्लेस कर दे रहे किससे, वन से, ठीक है। यहाँ पर टेन ही रहने दो, यहाँ पर वन आ जाएगा। देखो टेन पे कितना पावर दे, वैल्यू क्या मिल जाए हमको वन मिल जाए, तो पावर किसी भी नंबर पे पावर जीरो रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। अगर हम किसी भी नंबर पे पावर जीरो कर दे तो वैल्यू क्या आता है वन। थ्री पे पावर, थ्री पे पावर कितना दें, जो वैल्यू क्या आ जाए वन, तो पावर क्या देना पड़ेगा जीरो। थ्री पे पावर जीरो होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। उसी चीज को जनरल टर्म में लिखा गया है लॉग वन टू द बेस ए, वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा। इन बातों को नोट करें, इन सारी चीज का यूज हम फंक्शन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। चलो नोट डाउन हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग लॉग का यूज किस फंक्शन के लिए करेंगे, लॉग का यूज हम किस फंक्शन के लिए करेंगे। मान लो आपके पास f ऑफ x इक्वल टू कोई फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, 2x प्लस में 3 है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा क्या होता है वेरिएबल टर्म होता है, x क्या होता है वेरिएबल टर्म रहा। इस वेरिएबल फंक्शन पर अगर कोई वेरिएबल फंक्शन है, मान लो साइन x है, x के टर्म में है ना, तो ये भी क्या है वेरिएबल। अगर वेरिएबल पर पावर आपको वेरिएबल दिखेगा तब हम लोग यूज करेंगे लॉग का। ऑलवेज याद रखने का सिंपल तरीका, लॉगरिथम फंक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन निकाल के, अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखेगा तो हम क्या करेंगे लॉग का यूज करेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं, उन सारे फंक्शन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो इसको बाद में करेंगे, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। फर्स्ट वन प्रॉब्लम हमारे पास है y इजकल टू x टू द पावर 1 बाय x, x टू द पावर 1 बाय x, चलो ये फंक्शन है। चलो x भी हमारा वेरिएबल और इस पे पावर भी क्या है वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, जब करेंगे सॉल्यूशन क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा लॉग y इजकल टू लॉग x टू द पावर 1 बाय x। अब लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पावर को आगे शिफ्ट करता है, तो ये हो जाएगा लॉग y इजकल टू 1 अपॉन x इनटू में लॉग x। वापस से क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग का काम हो गया, अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर दे रहे हैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे log y का। अब log के साथ क्या होना चाहिए था x होना चाहिए, तो x तो है नहीं, तो इस चीज को क्या मान लेंगे x, तो यहां पर x के प्लेस पर क्या आएगा y, जिसको x मान रहे हैं वो x नहीं है, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में साइन आएगा प्लस का, सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो 1 अपॉन x को आप चाहें तो x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। log y का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह क्या है y, इनटू में यहां पर क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 1 अपॉन x छूटा हुआ तो 1 अपॉन x आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस में ये log x छूटा हुआ है तो log x, इनटू में देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस 1 था माइनस 1 आ जाएगा, तो ये देखो y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में That means dy upon dx बराबर हो जाएगा y into 1 upon में x into x, x square plus में, अब देखिए ये plus minus क्या कर दें, यहाँ minus कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus log
एक्स, ये वन इससे मल्टीप्लाई, और एक्स टू की पावर क्या है माइनस टू, और ये माइनस टू नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते थे, चलो ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, वाई का वैल्यू क्या है आपके पास एक्स टू की पावर वन वाई एक्स, इंटू में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा वन माइनस में लॉग एक्स हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हमें बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स लाना था। नोट डाउन करेंगे, सेकेंड वन क्वेश्चन देखेंगे इसी पर बेस्ड। चलिए सेकेंड वन क्वेश्चन हमारे पास है, y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ठीक है। वापस से दिख रहा है क्या, वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन दिख रहा है, फिर क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें किसको लेना पड़ेगा log को, तो ये वापस हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर क्या है x, log y बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर को क्या कर देगा log, ये log क्या करेगा पावर को आगे शिफ्ट कर लेगा, ये x log ऑफ log x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब फंक्शन हमारा सिंपल फॉर्म में आ चुका है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, बात समझ में आया होगा किस तरह हो रहा है। वापस से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ log x को। अब देखो log के साथ क्या होना चाहिए था x, तो इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे x, तो यहाँ पर d x की जगह क्या आ जाएगा log x, जिसको x कह रहे हैं लेकिन x नहीं है, इंटू में उसका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में साइन प्लस का, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे log ऑफ log x को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इनटू में क्या है dy अपॉन में dx इक्वल टू x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, x की जगह क्या है log x इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, बीच में साइन प्लस का, log ऑफ log x छूटा हुआ है, log ऑफ log x छूटा इनटू में dx अपॉन dx का वैल्यू 1, 1 इनटू दिस दिस, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो इनटू में, दैट मींस dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा y इनटू में 1 अपॉन में log x प्लस में log ऑफ log x। आप चाहे तो यहां पर y का वैल्यू लिख सकते हो, y का वैल्यू आपको क्या गिवन था log x टू द पावर x इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस में log ऑफ log x। नोट डाउन करेंगे, सेकेंड वन का आंसर ये आपका आएगा dy अपॉन dx। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वन, थर्ड वन क्वेश्चन आपके पास है, y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x, x टू द पावर sin x, देखो x भी वेरिएबल sin x भी वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, फिर क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर sin x, ठीक है। तो ये log क्या करेगा इस पावर को आगे शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू साइन x इंटू में log x, log x, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, आप इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा log y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू में dy अपॉन dx बराबर, देखो दो फंक्शन इंटू में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे इंटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इनटू में क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू sin x छूटा हुआ है इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस में log x छूटा हुआ है तो h it is sin x का डिफरेंशिएशन cos x।
चलो ठीक है, ये y डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में, डैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इनटू में साइन x अपॉन में x प्लस में लॉग x cos x cos x। आप चाहे तो यहां पर y का वैल्यू लिखिएगा तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स, y का वैल्यू क्या था x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x इनटू में साइन x अपॉन x प्लस में इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहे cos x इनटू में log x भी लिख सकते, चेंज कर दीजिए पहले log फिर cos। चलो ये आपका थर्ड वन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्वेश्चन आपका है x टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x y इक्वल टू x टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x। फिर से दिख रहा है x हमारा क्या है, वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, तो वापस से क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे log ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x टू द पावर cos x cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ये log क्या करेगा पावर को आगे शिफ्ट कर देगा, तो ये log y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इनटू में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो आप फंक्शन को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये dy सॉरी डेरिवेटिव किसका हो जाएगा log y का, log y विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा dy इनटू में dy अपॉन क्या आ जाएगा dx इक्वल टू, देखो इनटू में है ना, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को एच इट इज छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में साइन आएगा प्लस का सेकेंड वाले फंक्शन को एच इट इज छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y इनटू में dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x एच इट इज इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x बीच में साइन प्लस का log x एज इट इज log x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा माइनस में 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर ये होता है, तो यहां पर y हमारा क्या है डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में dy अपॉन dx बराबर y इनटू में देखो cos इनवर्स ऑफ x अपॉन में x लिख सकते थे इनटू करकर, ये प्लस ये माइनस माइनस log x log x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस में x स्क्वायर, अब चाहे तो यहां पर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx y का वैल्यू x टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x इनटू में cos इनवर्स ऑफ x अपॉन में x माइनस में log x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नोट डाउन करेंगे फिफ्थ वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम इसी टाइप का, एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन हम ले रहे हैं, फिफ्थ वन क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स टू टी पावर कॉस एक्स, चलो नोट डाउन कर लेंगे ये। चलिए क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लॉग लेना ही पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये लॉग क्या करेगा पावर को आगे शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू कॉस एक्स इनटू में लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों क्योंकि फंक्शन हमारा सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाई को विथ रिस्पेक्ट टू वाई इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, बात समझ में आया होगा लॉग के साथ क्या होना चाहिए था एक्स, तो एक्स तो है नहीं तो इसको एक्स मान लिए, तो यहां पर एक्स की जगह वाई, अब जिसको एक्स माने हैं लेकिन एक्स नहीं है उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाले फंक्शन को एच इट इज छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले फंक्शन को,
अब लॉग के साथ क्या होना चाहिए था, x, तो x की जगह हम किसको मान लेंगे, साइन x होता, x की जगह साइन x, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में साइन प्लस का, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, लॉग ऑफ साइन x को छोड़ेंगे, इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, डिफरेंशिएट करेंगे cos x को विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इनटू में dy अपॉन dx बराबर, ये cos x छूटा हुआ है एज इट इज, इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन में x, x की जगह sin x, इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x, चलो ठीक है, प्लस log ऑफ sin x छूटा हुआ है तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस में sin x, माइनस में sin x, चलो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये y इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो इनटू में, तो dy अपॉन में dx बराबर y इनटू में, देखो cos x अपॉन में sin x, cot x होता है, इनटू में क्या है cos है, तो इसको cos x इनटू में cot x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस देखो और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sin x इनटू में log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, ब्रैकेट क्लोज, y का वैल्यू यहां पर पुट करिएगा तो dy अपॉन में डी एक्स बराबर, वाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू टू पावर कॉस एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर फिफ्थ टाइप के भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं सिक्स वन क्वेश्चन, 6-1 क्वेश्चन आपके पास है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर x, वापस से वेरिएबल पे टर्म वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, चलिए इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर x, साइन इनवर्स x टू द पावर x हो जाएगा, चलो लॉग क्या करेगा, पावर को आगे शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x, सिंपल फॉर्म में फंक्शन आ चुका है, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा log y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू में dy अपॉन dx बराबर, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे इनटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा सेकंड वाला फंक्शन log ऑफ साइन इनवर्स x, तो log के साथ x की जगह क्या है साइन इनवर्स x, तो यहां पर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करती है प्लस सेकंड वाले फंक्शन को एच इट इज छोड़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू में डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स इनटू में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू में dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में dy अपॉन dx बराबर y इंटू में, देखो x अपॉन में साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं इंटू में, ये देखो इंटू में यहीं पर लिखते हैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्लस प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज, चलिए तो यहां पर वाई का वैल्यू लिखेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर वाई का वैल्यू क्या था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू टू पावर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, चलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम,
क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव टू टी पावर टू एक्स माइनस में थ्री। चलो वापस से क्या दिख रहा है, फंक्शन वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये तो लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव टू टू पावर टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये लॉग वाई इक्वल टू, ये लॉग क्या करेगा, पावर को आगे शिफ्ट कर देगा, टू एक्स माइनस में थ्री लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस में फाइव। चलिए फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे टू एक्स माइनस में थ्री, ठीक है, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस में फाइव अपॉन में, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस में फाइव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स प्लस में फाइव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़े, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस में फाइव इसको छोड़ेंगे इनटू में, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस में थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो ठीक है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई ना, इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन तो छूटा हुआ टू एक्स माइनस में थ्री इंटू में, इंटू में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स थ्री एक्स प्लस में फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव, तो थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, प्लस में क्या था फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पर थ्री रहेगा, प्लस ये फंक्शन छूटा हुआ है लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस में फाइव छूटा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ये टू वाई हमारा डिवाइड में उधर जाएगा तो इन टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई इन टू में, देखो टू एक्स माइनस में थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में फाइव, और ये थ्री से इन टू है तो थ्री से यहाँ इन टू कर दो, चलो इन टू कर दे रहा है, प्लस टू लॉग थ्री एक्स प्लस में फाइव, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, y का वैल्यू क्या था थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव टू टी पावर क्या है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री इंटू में, इंटू में ये हो जाएगा आपका सिक्स, आप चाहें तो थ्री बाहर ही फिर रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्री इंटू में टू एक्स माइनस में थ्री अपॉन में थ्री एक्स प्लस में फाइव, प्लस में क्या था टू लॉग थ्री एक्स प्लस में फाइव, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट ऑन करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है, एक्स प्लस वन का क्यू इंटू एक्स प्लस टू टू पावर फोर इंटू एक्स प्लस थ्री थ्री टू टू पावर फाइव। चलिए ठीक है, नोट ऑन कर लेंगे इसे, चलो फिर से क्या दिख रहा है, अब फंक्शन हमारा इन टू में है लेकिन वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट वाले सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, थर्ड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इसको छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको छोड़ेंगे, फिर प्लस इन दोनों को छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल करने के लिए वापस से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो वो सिंपल किस तरह हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा लॉग वाई, ये क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का क्यू इंटू एक्स प्लस टू टू पावर फोर इंटू एक्स प्लस थ्री टू पावर फाइव। चलिए ठीक है, लॉग वाई लॉग
वाई इज कल टू, देखो ये लॉग क्या करेगा, ये सारा फंक्शन इंटू में, जब दो फंक्शन इंटू में रहता है तो लॉग उसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है प्लस के टर्म में। तो इसको हम लिख सकते थे लॉग एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस में, अब ये लॉग इसके लिए भी आएगा, लॉग एक्स प्लस टू टू पावर फोर प्लस में लॉग एक्स प्लस थ्री टू टू पावर फाइव। बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन हमारा इनटू में था, लॉग क्या कर दिया, सारे फंक्शन को प्लस से सेपरेट कर दिया। अब देखो ये लॉग क्या करेगा, इस पावर को आगे शिफ्ट कर देगा ना, तो ये थ्री को आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, इस फोर को चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं, और इस फाइव को चाहें तो यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या कर देंगे, फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इनटू में dy upon dx इक्वल टू, देखो इसके लिए डिफरेंशिएशन अलग होगा, थ्री बाहर, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन में, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू में, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो थ्री बाहर चल गया, लॉग, लॉग के साथ क्या होना चाहिए था, एक्स, तो इसको एक्स मान लिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स इसको मानते हैं इसको, अब जो उसको एक्स माने लेकिन एक्स नहीं है इंटू में, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका काम खत्म, प्लस में क्या दिख रहा है फोर, वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस टू इंटू में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो इसका भी काम खत्म, प्लस में फाइव बाहर है, फाइव बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस थ्री इंटू में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई इंटू में क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये थ्री बाहर था तो थ्री बाहर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन इंटू में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और इस वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन, प्लस में फोर बाहर है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, दैट मीन्स एक्स प्लस टू इंटू में, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा, प्लस में टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, प्लस में फाइव, प्लस में फाइव इंटू में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस थ्री इंटू में, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, अब ये वाई डिवाइड में है उधर जाएगा तो इंटू में, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इंटू में, देखो ये हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में फोर अपॉन एक्स प्लस टू प्लस में फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री। आप चाहें तो यहाँ पर y का वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये dy वाई अपॉन में डी एक्स बराबर y का वैल्यू क्या है, x प्लस वन का क्यूब इंटू में x प्लस टू टू पावर फोर इंटू में x प्लस थ्री टू पावर फाइव इंटू में, क्या आ चुका है डिफरेंशिएशन हमारे पास, थ्री अपॉन में x प्लस वन प्लस में फोर अपॉन में x प्लस टू प्लस में फाइव अपॉन में एक्स प्लस थ्री, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन, कॉस एक्स इंटू में कॉस टू एक्स इंटू में कॉस 3x। चलो वापस से फंक्शन हमें किसमें दिख रहा है, इंटू में दिख रहा है, तो सिंपल, तीन फंक्शन इंटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना बेवकूफी होगा, क्या करेंगे लॉग का यूज कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग y इजकल टू log ऑफ cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। चलिए ठीक है, log y इजकल टू, log क्या करेगा, सारे फंक्शन को सेपरेट करेगा प्लस के टर्म में, और ये log सारे फंक्शन के लिए आएगा, तो ये log ऑफ cos x
कॉस एक्स प्लस में लॉग ऑफ कॉस 2x प्लस में लॉग ऑफ कॉस 3x इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखो फंक्शन हमारा सिंपल फॉर्म में आ चुका है तो क्या कर देंगे वापस से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू में क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर। ये फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ log of cos x with respect to cos x into में derivative of cos x with respect to क्या हो जाएगा x हो जाएगा। second one function plus का sign derivative of log cos 2x with respect to क्या हो जाएगा cos 2x चलो ठीक है into में derivative of cos 2x with respect to क्या हो जाएगा 2x into में derivative 2 बाहर derivative of dx upon dx चलो ठीक है। तो second वाले function को भी करते हैं third one function plus का sign आएगा इसको differentiate करेंगे derivative of log of cos 3x with respect to क्या हो जाएगा cos 3x into derivative of cos 3x with respect to 3x into में 3 बाहर dx upon dx चलिए ठीक है। log y का differentiation 1 upon y into में क्या हो जाएगा dy upon dx इक्वल टू log x का differentiation 1 upon x तो 1 upon cos x into में cos x का differentiation माइनस में sin x प्लस का sin है तो फिर प्लस का sin log x का differentiation 1 upon x 1 upon cos 2x into में cos 2x का differentiation माइनस में sin 2x into में देखो ये 2 और dx upon dx 2 तो यहां पर क्या आ जाएगा into में 2 भी आ जाएगा प्लस log x का differentiation 1 upon x x की जगह क्या है cos 3x into में cos x का differentiation माइनस में sin 3x into में क्या हो जाएगा 3 dx upon dx 1 हो जाएगा चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा ये देखो y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो into में dy upon में dx बराबर y into में देखो माइनस में sin x upon cos x तो क्या होता है 10x तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस में 10x प्लस ये प्लस देखो माइनस में sin 2x upon में cos 2 तो tan 2x हो जाएगा ना और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस में 10 2x और इनटू में 2 भी था तो 2 यहां लगा दो अब देखो माइनस में sin 3x अपॉन में cos 3x तो माइनस में 10 3x और इनटू में क्या था 3 तो माइनस में 3 10 3x हो जाएगा। अब यहां पर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y का वैल्यू क्या दिया हुआ था dy अपॉन में dx बराबर y का वैल्यू क्या है cos x इनटू में cos 2x इनटू में cos 3x into में क्या आ जाएगा माइनस में 10 x माइनस में 2 10 2x माइनस में 3 10 3x ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं इजी ही है देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है लॉक ले लेना है फंक्शन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए लास्ट वन जो क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में है x माइनस 3 x माइनस में 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5। चलिए सॉल्व करते हैं देखिए पहले तो फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखने का कोशिश करिए y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5 इस पे पावर क्या 1/2 लिखा जा सकता था 1/2 लिखा जा सकता था चलो ठीक है लिख दिए। अब हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड
लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस वन इंटू में x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री x माइनस फोर इंटू में x माइनस फाइव, ये हो जाएगा और इस पे पावर वन बाई टू था, तो लॉग क्या करेगा पावर को आगे शिफ्ट करेगा, तो वन बाई टू यहां लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ध्यान दो ये लॉग क्या करेगा, दो फंक्शन किस में है, रेशियो में, फ्रैक्शन में, तो ये क्या कर देगा माइनस में सेपरेट कर देगा, तो ये फंक्शन हमारा लॉग वाई इजकल टू वन अपॉन टू लॉग, देखो तो लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू, ब्रैकेट आराम से दीजिएगा, ब्रैकेट का काम यहां पर होगा। अब ये फंक्शन किस में चला जाएगा माइनस में, फिर से यहां कर ली ब्रैकेट, यहां क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, कर ली ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, वापस से कर ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, माइनस में लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, चलिए कर ली ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आया, हमारे पास फंक्शन ये था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो पावर क्या हो गया वन बाई टू, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिए तो ये पावर क्या हो जाएगा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आगे शिफ्ट कर दिए। अब ये लॉग इस फंक्शन को क्या करेगा एम अपॉन एन के रूप में है ना, तो लॉग एम माइनस एन, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन के टर्म में सेपरेट हो गया फॉर्मूला से, तो ये लॉग y इजकल टू वन बाई टू इंटू में, अब ये लॉग देखो दो फंक्शन इंटू में, इसको सेपरेट कर देगा किस में प्लस में, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस वन प्लस में लॉग x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ये फंक्शन हमारा हो गया। चलो माइनस ये लॉग क्या करेगा वापस इन सारे फंक्शन को किस में सेपरेट कर देगा प्लस में, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस थ्री प्लस में लॉग x माइनस फोर प्लस में लॉग x माइनस में फाइव ब्रैकेट क्लोज, चलिए ठीक है। अब क्या कर देंगे फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वन बाई टू बाहर है तो वन बाई टू बाहर रहेगा एज इट इज, इनटू में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो गया, बीच में साइन क्या है प्लस का, तो प्लस साइन देती है, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग x माइनस टू को विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह क्या x माइनस टू, तो यहां x माइनस टू इंटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा x माइनस टू विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो ये वाला भी फंक्शन हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया, इसको क्लोज कर दो, बीच में साइन क्या है माइनस का, ये कर ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, चलो डिफरेंशिएट हो जाएगा log x माइनस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस थ्री इंटू में डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस थ्री को विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस प्लस डिफरेंशिएट हो जाएगा लॉग एक्स माइनस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फोर इंटू में इंटू में इंटू में ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स माइनस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो ये वाला फिर फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया प्लस में, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स माइनस फाइव को लॉग x माइनस फाइव को विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x माइनस फाइव इंटू में डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका x माइनस में फाइव विथ रिस्पेक्ट टू x ब्रैकेट क्लोज, सारा ब्रैकेट क्लोज। चलिए इस चीज को नोट कर लेंगे, थोड़ा हमें रब करना पड़ेगा ऊपर से, यहां से हटा दे रहे हैं। चलो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमको वन बाई वाई इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वन बाई टू बाहर है तो बाहर रहेगा ब्रैकेट स्टार्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू में देखो
एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस में वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वन इंटू समथिंग समथिंग ही हो जाएगा, चलो बीच में संख्या हो जाएगा प्लस का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस टू, इंटू में देखो एक्स माइनस टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस में टू का डिफरेंशिएशन जीरो, वन इंटू दिस, चलो ब्रैकेट क्लोज कर दो यहां पर, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हो चुका है ब्रैकेट का। अब सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बीच में संख्या है माइनस का, चलो ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, तो यहाँ एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस में थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वन इंटू दिस, बीच में साइन प्लस का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स माइनस फोर, वापस से एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और माइनस फोर का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वन इंटू दिस हो जाएगा प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस फाइव, इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस में फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन इंटू दिस ब्रैकेट क्लोज। अब ये y हमारा इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में, डेट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा y इंटू में, अच्छा 1 बाई टू है ना, तो 1 बाई टू बाहर, यहां पर 2 लगा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वन प्लस में 1 अपॉन में x माइनस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस माइनस के कारण सारा टर्म किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 1 अपॉन में x माइनस थ्री, माइनस में वन अपॉन में एक्स माइनस फोर, माइनस में वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव। अब यहां पर आप चाहें तो वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, वाई का वैल्यू क्या था रूट अंडर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। चलिए तो y का वैल्यू रख दिया, अपॉन में क्या था 2 था, तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, ठीक है ये 2, इनटू में क्या आ चुका है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 4, माइनस में 1 अपॉन x माइनस 5। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करिए, इसमें और भी डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उससे क्वेश्चन आता है यू और वी फॉर्म उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।